खंडवा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई एक ट्रेन पूरे शहर को एक साथ मौत के आगोश में भेजने के लिए काफी थी। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में ठुकुर रेलवे स्टेशन से निकली एक ट्रेन को भोपाल के पास बकानिया एलपीजी डिपो में जाना था, जिसमें 32 टैंकरों में ये गैस भरी हुई थी, जिसके प्रत्येक टैंकर की क्षमता 37 टन है। और ये ट्रेन 8 तारीख को शाम को 4:50 पर जब खंडवा के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो इसमें से एलपीजी गैस का रिसाव होते हुए पाया गया, जिसमें एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन सकती थी। ट्रेन में गैस रिसाव की बात जैसे ही रेलवे के अधिकारियों के संज्ञान में आई, वैसे ही तमाम इलेक्ट्रिक लाइन और स्विचेस को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कलेक्टर एसपी के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम लोगों को भी इसकी जानकारी दी गई। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी तरह का स्पार्क न हो, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी पूरे खंडवा में तबाही मचाने के लिए काफी थी। ट्रेन खंडवा में 16:50 को आई है, आने के बाद ये इटारसी के लिए जा रही थी। इसमें स्टाफ आया, जब इसका गार्ड पीछे जा रहा था 17:25 को गार्ड ने देखा कि एक टैंक से जो है गैस लीकेज की आवाज़ आ रही है। उसने 17:30 को रिपोर्ट किया डिप्टी एसएस ने मेरे को रिपोर्ट किया। मैं आकर सभी स्टाफ को सूचित किया और अटेंड किया स्टाफ ने, फिर देखा कि उसमें से गैस वाकई में लीकेज थी और आवाज़ भी आ रही थी। खंडवा ऑल कंसर्न मैसेज दिया, फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम हमारे अधिकारियों को सभी को अवगत कराया गया। 20 बजे लगभग भानपुर खंडवा टेक्नीशियन और CNW स्टाफ ने अटेंड करके उसको काफ़ी कुछ हद तक कम किया। उसके बाद उसको मेमो दिया, यहाँ से निकाल। ट्रेन अभी भी खंडवा रेलवे स्टेशन पर ही रुकी हुई है, लेकिन पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ ही किसी को उसके पास आने जाने की इजाजत है और इस वक्त भी ट्रेन में रिसाव हो रहा है, लेकिन उसे काफी हद तक कम कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। शाम करीब 4:50 पर एक LPG से भरे हुए सिलेंडर की ट्रेन आई और जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तब एक सिलेंडर में से गैस लीक होने की बात प्रकाश में आई। जैसे ही ये बात रेलवे स्टेशन प्रबंधक और हम सभी के संज्ञान में आई तब तत्काल OHE लाइन को बंद किया गया और जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस थे उन सबको स्विच ऑफ किया गया और कंसर्निंग सारे अथॉरिटीज़ को पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा और कलेक्टर SP सर सभी को खबर की गई और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों को बताया गया। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी भी प्रकार का स्पार्क ना हो और पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया। इस वक्त तक सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए लाइट को स्विच ऑफ किया गया है, OHE लाइन भी अभी बंद है। पीथमपुर से एक्सपर्ट टीम आ रही है जो कि इस रिसाव को ठीक करेगी, इसके उपरांत ट्रेन को रवाना करेगी। जैसा कि आपने सुना कि रिसाव की पूरी तरह से ठीक होने के बाद ही इस ट्रेन को आगे जाने के लिए रवाना किया जाएगा और तब तक के लिए रेलवे स्टेशन के आसपास होने वाली सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है ताकि खतरे को कम किया जा सके। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।